हेलो गाइस, फाइनली परमाणु द स्टोरी ऑफ प्रोक्रान का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और इसका ट्रेलर आज 11 मई 2018 को रिलीज हुआ। और ठीक इसी दिन ही 3:45 पे ही परमाणु बॉम्ब का इंडिया ने सक्सेसफुल टेस्ट किया था और इसी वजह से इस ट्रेलर को भी सेम टाइम पे रिलीज किया गया जॉन इब्राहिम एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये भारत का दूसरा परमाणु टेस्ट था। इससे पहले भारत में 18 मई 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से एक परमाणु परीक्षण किया गया था, जो भारत का पहला सक्सेसफुल एटॉमिक टेस्ट था। अगर हम परमाणु देशों की बात कर लें तो भारत ने सिर्फ आज़ादी के 8 महीने बाद ही एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया और इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना दिया। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एटॉमिक बॉम्ब के खिलाफ थे, जिसका पता हमें वेपन्स ऑफ पीस बुक से चला, जो कि राज चनगप्पा ने लिखी है। भारत में न्यूक्लियर रिसर्च की शुरुआत होमी जहांगीर बाबा ने 1945 में कर दी थी। 3 अगस्त 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना, जिसके सेक्रेटरी डॉक्टर बाबा थे। 1962 में इंडिया चाइना से जंग में बहुत बुरी तरीके से हार गया, जिसके सिर्फ 2 साल बाद ही चाइना ने अपने ही देश में सक्सेसफुल एटॉमिक टेस्ट करके न्यूक्लियर देशों में अपनी जगह बना ली, जिसके बाद इंडिया ने भी एटम बॉम्ब बनाने के लिए जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। 1971 इंडो पाक वॉर के बाद इंदिरा गांधी ने सीक्रेटली रिसर्चर को परमिशन दे दी एटम बॉम्ब बनाने के लिए। 7 सितंबर 1972 में इंदिरा गांधी एटम बॉम्ब का डमी देखने गई पोखरण, जिसके सिर्फ 2 साल बाद ही पोखरण टेस्ट सक्सेसफुल रहा और इस मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अब हम बात करते हैं पोखरण 2 की, जिसके ऊपर परमाणु मूवी बेस्ड है। 18 मार्च 1998 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम और आर चिदंबरम की गुप्त मीटिंग हुई, जो आप ट्रेलर में यहां देख सकते हैं। Now it's time for India to become a nuclear state. इसी मीटिंग में फैसला हुआ कि अगली आने वाली 10 तारीख 1988 को इस परमाणु बॉम्ब का परीक्षण होगा। इस ऑपरेशन का नाम शक्ति रखा गया। प्रधानमंत्री के अमेरिकन दौरे के कारण ये परीक्षण 11 मई को पोस्टपोन कर दिया गया। 18 मार्च 1998 से लेके 11 मई 1998 में जो कुछ भी हुआ वो आप इस मूवी में देखेंगे। अमेरिकन सैटेलाइट्स की मौजूदगी के कारण साइंटिस्ट अपना काम सिर्फ रात में ही करते थे और सुबह होते ही उसे कवर कर देते थे, जैसे कि जॉन इब्राहिम यहाँ कर रहे हैं। सभी रिसर्चर्स इकट्ठे पोखरण नहीं जाते थे और हमेशा आर्मी की यूनिफॉर्म में ही रहते थे। और यहाँ आप डॉक्टर अब्दुल कलाम और आर चिदंबरम की ओरिजिनल पिक देख सकते हैं। ऑपरेशन शक्ति में अब्दुल कलाम का कोड नेम मेजर जनरल पृथ्वी राज और आर चिदंबरम का नटराज था। परमाणु की ज़्यादातर शूटिंग दिल्ली, मुंबई और राजस्थान के पोखरान विलेज में हुई है। और यहाँ पर जो आप द फोर्ट ऑफ पोखरान देख रहे हैं वो एक्चुअल में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था और अब इसे हेरिटेज होटल का नाम दिया गया है। यहाँ पर आप बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का बॉक्स देख रहे हैं, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ऐसे ही बॉक्सेस में न्यूक्लियर बॉम्ब के पार्ट्स लाए जाते थे। इस मूवी में जॉन इब्राहिम, डायना और बोमन ईरानी के अलावा जैकरी कॉफिन, योगेंद्र टिक्कू और आदित्य हिटकरी को देखेंगे। इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना के क्या सही करा? प्लीज़ शेयर योर कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड लव यू ऑल।